नमस्कार दोस्तों, आज हम मंत्र से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं, करना चाहते हैं। जैसा आप लोग सुनते होंगे, सुना होगा कि किसी को मंत्र में सिद्धि प्राप्त है, किसी को तंत्र में सिद्धि प्राप्त है। इस प्रकार मंत्रों और तंत्रों आदि में जो भी सिद्धि या सामर्थ्यता प्राप्त लोग रहते हैं, बगैर गुरु के ना मंत्र में सिद्धि मिलती है और ना ही किसी प्रकार की कोई उन्नति होती है। सबसे पहले कि गुरु बगैर गुरु के मंत्र जाप करना फलदायी नहीं होता। गुरु से प्राप्त मंत्र में ही शक्ति और सामर्थ्यता रहती है, अतः ऐसे गुरु समर्थ गुरु से दीक्षा लेकर अपने को मंत्र जाप करना चाहिए। पूजन विधान भी बगैर गुरु के सफल नहीं हो पाता। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है, अच्छा गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। नारद संहिता के अनुसार आचार्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर ही मंत्र जाप करना चाहिए। सार संहिता के अनुसार कोई निश्चित तिथि या कोई मुहूर्त नहीं रहता है जहां पर गुरु प्रकट हो जाए। गुरु अपने शिष्यों को स्वयं ढूंढ लेता है। जिस समय गुरु चाहे वो खेत हो, खलियान हो, बाजार हो, घर हो, यहां पर भी गुरु प्रकट हो, गुरु आपको समझ में आए, आप गुरु की कृपा से आप स्वयं ही समझ लेंगे कि ये गुरु हमारे योग्य है। गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढ लेता है। जिस प्रकार से कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को ढूंढ लिया था, उनको मालूम था कि नरेंद्र नाम का यह बालक जो रोज काली मंदिर में आता है, ये मेरा पूर्व जन्म का शिष्य है जिसकी दीक्षा अधूरी रह गई। अतः उन्होंने एक दिन नरेंद्र को बुलाकर स्पर्श दीक्षा से उनको दीक्षित कर दिया। तो गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढता है, ऐसी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होती है। और गुरु दीक्षा भी कई प्रकार से होती है, मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, इस प्रकार। तो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने स्पर्श दीक्षा से दीक्षित कर दिया था तत्क्षण। और शिष्य भी पात्र होता है तभी गुरु उसको दीक्षा देता है। गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा ले लेते हैं, पात्र होने के पश्चात ही वो अपने को उसको गुरु दीक्षा देते हैं। अतः आज का विषय मंत्र और गुरु के संबंध में है। नारद संहिता और सार संहिता के अनुसार हमने आपको बताया कि कोई तिथि निश्चित तिथि उसकी शुभ मुहूर्त नहीं रहता, जब जहां भी गुरु अपने को प्रकट हो जाए, मिल जाए, वही गुरु दीक्षा का समय रहता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि गुरु दीक्षा किस प्रकार से हो। जब आपको लगने लगे किसी व्यक्ति के पास, किसी आचार्य के पास बैठकर आपको अच्छा लगे, उनकी बातें सुनने से आपका मन प्रसन्न हो, आपको अच्छा महसूस होने लगे, तो आप समझिए कि यह व्यक्ति, यह आचार्य हमारे गुरु बनने योग्य है। इसी प्रकार आचार्य गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा कर लेता है। जो शिष्य को समझ में एकदम से नहीं आता, बातों ही बातों में उसकी परीक्षा कर उसे अपने योग्य समझ कर उसे फिर मंत्र दीक्षा देते हैं। अतः आज का विषय जो है वो मंत्र और गुरु से संबंधित है। आगे आने वाले समय में गुरु दीक्षा में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या तिथि, क्या समय रहता है, क्या दिन, क्या महीना रहता है, यह सब जानकारी हम आपको देंगे।
आज सिर्फ इसलिए यह आधार बनाया है गुरु और मन की दीक्षा का, जिससे कि आपके मन में ये विचार बने कि हम यदि हमारे कोई गुरु नहीं है तो हमको गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अतः आज के लिए इतना काफी है, और आपको कोई शक हो तो आप व्हाट्सएप पर फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, राम राम।